और यार इसके एक टीममेट को यहाँ पे पहले तो मैं लुढ़का देता हूँ और दूसरे को मारने का मेरे टीममेट का जस्ट रिएक्शन देखो। अरे ओपी बोलते, ओपी बोलते। मतलब यार वो खुद काफी ओपी ओपी कर रहा था। फिलहाल यहाँ पे दूसरे बंदे भी आ जाते हैं रश करने और एक बंदा जस्ट मेरे सामने आके लेट जाता है तो उसे मैं फटाफट से नॉक कर देता हूँ। अरे यार डीपी क्लोज रेंज के लिए काफी गलत गन है और यही सीन होता है, क्लोज रेंज में एक बंदा आता है और काफी सही से उसने नॉक किया बट मैंने भी काफी डैमेज दिया था इसलिए फटाफट मेरे टीममेट ने उसे मार दिया। फिलहाल कुछ और बंदे थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी पे थर्ड पार्टी हो रहे थे और ये वाला गेम प्ले हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हमको अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि चिकन डिनर तो इस बार इजी ही है। फिलहाल यहाँ पे ये बंदा अंदर घुस जाता है, मैं DBS लेके तैयार था फुल कि जैसे ही आ गया तो मैं जस्ट बजा दूंगा। फिलहाल मैं एक बार ऐसे ही DBS बजा देता हूँ, मतलब सिर्फ आवाज़ सुना देता हूँ कि यार क्लोज रेंज में आना भी मत ताकि वो सोचेंगे जस्ट क्लोज रेंज में नहीं आना। तो फटाफट यार यहाँ पर क्या सीन होता है, ऊपर से एक बंदा उसका आ जाता है सीधा रश करने, ठीक है, और मैं DBS लेके तैयार रहता हूँ बट इस बार मैं DP ले लेता हूँ हाथ में, पता नहीं क्यों एक अलग सा कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। तो फटाफट से इसको भी काफ़ी डैमेज दिया बट मेरे टीममेट ने ही नॉक कर दिया और ये किल तो मुझे चाहिए था और मैंने एक हिट भी कनेक्ट जस्ट कर रहा था उतने में मेरा टीममेट ही मेरा किल चुरा लेता है। फिलहाल यहाँ से जाते वक्त मुझे एक बंदा स्पॉट होता है और देखो ऑलमोस्ट 1 HP रहेगा या फिर 10 HP रहेगा, इसलिए मैं उसे जो है ज़रा भी हीलिंग करने का मौका नहीं देना चाहता था। और यार ये बंदा जो कैम करता है और एक तरीके से दिमाग भी लगा देता है, इसका टीममेट जो है वो आगे से फुल सामने ही था मतलब मेरे स्पॉट होने से था और ये अचानक से जस्ट कैसे प्रकट हो जाता है देखो, मतलब यार काफ़ी कंफ्यूजिंग था और काफ़ी जस्ट डिस्टर्बिंग था तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं वैसे। फिलहाल फुल फ्रस्ट्रेटिंग मैच हो गई ये दोनों भी हमारे। तो ये अब हम फिर से सोलो से स्क्वाड खेल रहे थे और पीछे बंदा था और मेरे पास थी शॉटगन, तो उसके पास भी कुछ खास गन नहीं थी बट M164 उसे मिल चुकी थी बट वो पता नहीं कि वो निकलता नहीं है। तो पहला शॉट मिस, सेकंड शॉट मिस और जो तीसरा शॉट रहता है वो मिस नहीं करना था और मैं उसे मार भी देता हूँ। फिलहाल इसे कंप्लीट करने का M164 मिलती है और काफ़ी बॉट्स थे मतलब काफ़ी फ्री किल्स थे सामने, तो फ्री किल्स लेके हम लोग जो है दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं। फिलहाल सामने और एक बंदा मेरा टीममेट मार्क कर देता है जो कि नॉक था और जस्ट एक बुलेट कनेक्ट करता हूँ और एक किल अपने नाम हो जाता है। फिलहाल हम लोग सीधा मतलब घुस जाते हैं अंदर जो है लूटने के लिए और एमओ हमारे पास ज़रा कमी ही थी एमओ की, तो फटाफट से मार के जस्ट लूटना था और सामने काफ़ी गंदी वाली फाइट चल रही थी तो यहाँ पर देखना एक को कैसे नॉक करेंगे। एक को नॉक किया, अब यार किल चुराने का मौका था बट मैं इस बार नहीं चुरा था क्योंकि अभी जो मेरे पास बुलेट्स है वो काफ़ी कम थे। फिलहाल यहाँ पे नॉक था बट मैं उसे नहीं मारता, मैं फ्री फायर उधर से देता हूँ जहाँ से उसका दूसरा बंदा आ जाता है और उसे ही मैं ख़त्म भी कर देता हूँ, मतलब लास्ट की बुलेट लग जाती है जस्ट एमओ ख़त्म और बंदा भी ख़त्म साथ में। फिलहाल यहाँ से मेरे को मिल जाती है बाइजन और बाइजन उठा के दूसरा सामने मेरा टीममेट मार्क कर देता है कि और एक एनिमी आ गया। अब यार ध्यान से देखो 3 AMO है सिर्फ मेरे बाइजन में बट अच्छा हो मुझे वो ध्यान में आ गया नहीं तो मैं सीधा रश करने वाला था। फिलहाल यहाँ से मुझे एमओ मिल जाते अच्छे खासे और फटाफट से गन वन उठा के मैं सीधा उस पर रश करने वाला हूँ, ठीक है, और वो भी काफ़ी अटैकिंग खेल रहा था और मैं भी काफ़ी अटैकिंग खेल रहा था क्योंकि नेचुरल गेम अटैकिंग है मेरा थोड़ा, तो सीधा घुस जाते हैं, सिचुएशन पर डिपेंड है। पहले प्री फायर दिया नहीं आया बट सेकंड प्री फायर में उसे हल्का सा डैमेज दे दिया मैंने और सीधा मैं घुस जाता हूँ और वो भी जंप एंड शूट कर देता है। जंप एंड शूट का फ़ायदा भी होता है और कभी कभी नुकसान भी होते हैं, तो इस बार इसके लिए नुकसान ही हो गया। फिलहाल मेरा टीममेट उसे कंफर्म कर देता है और अब बारी थी दूसरे टीममेट की उसकी जो कि यहाँ पर नहीं था, वो चला गया था मिडिल सेक्टर और लगता है उनके हाथ ही मर गया हो। फिलहाल सामने बंदा दिख जाता है मुझे और थोड़ी सी सांस फूल की सॉरी, तो ग्रेनेड फेंक देता हूँ मैं बट मैं श्योर नहीं था कि वो मरेगा कि नहीं, बस जस्ट ऐसे ही फेंक देता हूँ और एमओ अच्छे से लूट लेते हैं हम लोग और तब तक स्मोक भी गायब हो जाता है। तो फटाफट से अब हम लोग जाने वाले थे मिडिल सेक्टर के अंदर क्योंकि सामने एक फाइट हो गई थी, तो सामने मुझे हल्का सा बंदा स्पॉट होता है और मैं शायद से एग्जैक्ट ग्रेनेड वहाँ पर जस्ट फेंक ही रहा था, फेंकता भी हूँ बट उतने ही टाइम में वो जस्ट नीचे चले जाता है। तो पहले तो मैं होप कर रहा था कि नॉक हो जाए बट वो मेरा टीममेट भी मार कर देता कि वो नीचे आ गया, तो वो थोड़ा सा गलत हो गया था हमारा और फटाफट से इस पे घुस जाते। अभी मैं मेरे टीममेट को कहता हूँ कि तू ऊपर चले जा, मैं पेन किलर मार के जस्ट तुझे कवर देने के लिए आ जाऊँगा, तो वही करते हैं। फिलहाल Level 2 का हेलमेट जो है मुझे दिख जाता है तो वो भी ले लेता हूँ और यहाँ पर देखो क्या सीन होता है, ये स्मोक डाल के फुल ऊपर जो है कैम्प कर रहा था जस्ट देखो, मतलब यार लेट के कैम्प और फुल गलत ही कर देता है फुल, अगर प्री फायर देता तो शायद मैं मार भी सकता था। तो इसे मारने के बाद अब दूसरे बंदे की बारी थी, मैं कैसे बोल रहा हूँ यार, तो ऊपर ही था बंदा दूसरा और काफ़ी
सही से गेम चल रहा था तो हम लोग ये ग्रेनेड फेंक लेते हैं, और मैं अच्छा हुआ मैं नसीब से कि उसने टाइमिंग पे नहीं फेंका। फिलहाल यहाँ पर देखो क्या गलत करता हूँ मैं फ्री फायर देता हूँ, और जैसे ही 3 बुलेट्स थे मेरे गन में मैं वैसे ही घुस जाता हूँ, गन स्विच करने का बटन दबाता हूँ लेकिन गन स्विच होती नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे ग्लिचेज हो जाते हैं मेरे साथ ही, और मेरा टीममेट फिलहाल मार देता है उसे। तो कभी कभी सिली मिस्टेक्स भी हमें मार सकती है, तो देखो यार ओवर कॉन्फिडेंस सिली की मिस्टेक्स काफ़ी चीज़ें ऐसे जो हमें मार सकते हैं। फिलहाल अब यार यहाँ पर टीममेट भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, मैं भी अपना थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था पता नहीं क्यों, क्योंकि पूरे दिन में गेम सही नहीं बैठ रहे थे। तो फिलहाल और एक बंदा आ जाता है ऐसे घर में, और जस्ट देखो फिलहाल मैं अब वही सिचुएशन वापस आ जाती है, मैं प्री फायर देता हूँ बट इस बार मैं गन अच्छे से पहले स्विच कर देता हूँ और फिर घुस जाता हूँ। तो ये भी वैसे ही कैंप कर रहा था एकदम सांप बन के, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग। फिलहाल अब M4 अच्छे से मिल जाती है, और अभी यार हम लोग आराम से जस्ट निकलने ही वाले थे रोजॉक के लिए क्योंकि काफ़ी सही गेम चल रहा था, ठीक है। अब यार यहाँ पर और एक ग्लिच मेरे साथ होता है, ठीक है, जो कि रैंगल 2.2 में नया है क्योंकि पहले मेरे साथ ये हुआ नहीं था। और यहाँ पर क्या होता है, हमारी बगी जो है पलट जाती है, अब पलटने बाद सबको पता है कि ये गाड़ी बहुत बार ब्लास्ट हो सकती है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं एग्जिट का बटन जो है वो बार बार दबा रहा हूँ बट मेरे टीममेट का एग्जिट होता है, मेरा एग्जिट नहीं होता है। और यहाँ पर टीममेट का रिएक्शन देखो यार, आज के लिए इतनी ही बेइज्जती, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय।